साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का जरिया बन रहा, जिसमें एक भी गोली चलाए बिना दुश्मन को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और मानसिक तौर पर चोट पहुंचाई जा सके। आरोप भारत में यूसी न्यूज ऐप के 13 करोड़ यूजर्स चीन की साजिशों के खिलाफ कुछ भी न लिख सकते, न चीन के खिलाफ कुछ भी पढ़ सकते। दावा, चीनी कंपनी से जुड़ा यूसी न्यूज ऐप भारत के लोगों के मन में ये स्थापित करने में जुटा कि चीन पावरफुल और चीन कुछ गलत करता ही नहीं। सही समय पर सही जानकारी देना संवाद कहलाता है, लेकिन सही समय पर अगर गलत जानकारी दी जाए तो ये साजिश कहलाती है। एक उदाहरण के जरिए आप समझिए, अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर यह खबर फैला दी जाए कि इसके पीछे नेताओं की साजिश है तो पूरी कहानी बदल जाएगी। यही आरोप चीन पे है और आरोप ये है कि वो कुछ एप्लीकेशन के जरिए भारत में इस तरीके की साजिश कर रहा है। भारत की जनता को दिमागी तौर पर अपने खिलाफ सोचने से रोकने वाली ऐसी चीनी साजिश कैसे भारत के भीतर अंजाम दी जा रही है, आप इसका खुलासा एबीपी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत राय करने जा रहे हैं। भारत में न्यूज ऐप के जरिए चीनी साजिश का जो खुलासा हम करने जा रहे हैं, उसमें आरोपी है चीनी कंपनी से जुड़ा यूसी न्यूज ऐप का भारतीय वर्जन। जी हाँ, चीनी कंपनी का यूसी न्यूज ऐप भारत में एक ऐसा स्रोत है जहां चीनी कंपनी के यूसी न्यूज ऐप के जरिए न सिर्फ भारत के न्यूज चैनल और अखबारों को की खबरों को पढ़ा जा सकता है, बल्कि कोई भी रजिस्ट्रेशन करके यूसी न्यूज ऐप पर खबर, न्यूज आर्टिकल या ब्लॉग लिख सकता है, जिसे भारत में चीनी कंपनी के यूसी न्यूज ऐप से जुड़े 13 करोड़ लोग पढ़ सकते हैं। साल 2016 में भारत में चीनी कंपनी का यूसी न्यूज ऐप लॉन्च हुआ। इस न्यूज ऐप का सर्वर चीन की राजधानी बीजिंग में है। भारत में समाचार देने वाली कई मोबाइल ऐप काम कर रहे हैं, लेकिन चीनी कंपनी का यूसी न्यूज ऐप भारत में क्यों सवालों के कटघरे में है, इसकी वजह अब विस्तार से हम आपको बताने जा रहे हैं। कट करके दोबारा करो। हिंदुस्तान में चीनी कंपनी का यूसी न्यूज ऐप इस्तेमाल करने वाले 13 करोड़ उपभोक्ता और उन 13 करोड़ लोगों से जुड़े हुए करोड़ों भारतीयों को चीन की घुसपैठिया नीति, चीन की चालबाजियों का पता न चले, इसका पर्दा चीन कैसे डाल देता, ये पड़ताल शुरू की एबीपी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत राय ने। जिसे आप आसानी से समझ सके इसलिए पहले ये कुछ दिनों पुराना वीडियो देखिए। 2017 में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारत की सीमा पर 426 बार घुसपैठ की कोशिश की। ऐसी ही एक घुसपैठ का जवाब अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिकों ने दिया था। अब अगर यहाँ चीनी सैनिकों की ऐसी बौखलाहट के बाद चीन की कंपनी के यूसी न्यूज ऐप पर कोई खबर या आर्टिकल अगर इस शीर्षक से भारत की जनता के लिए लिखा जाए कि भारत के कदम से बौखलाया चीन, तो देखिए तुरंत नीचे लिख कर आ जाता है शीर्षक में संवेदनशील शब्द है, कृपया इसे बदले। यानी चीनी कंपनी का न्यूज ऐप भारत में चीन के खिलाफ कुछ भी लिखने और पढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन इसी चीनी कंपनी के यूसी न्यूज ऐप पर अगर लिखा जाए चीन के कदम से बौखलाया भारत, तो देखिए भारत के खिलाफ कुछ भी लिखना चीनी कंपनी के न्यूज ऐप को मंजूर हो जाता। चीन के खिलाफ भारत की जनता कुछ भी ना लिखे, न पढ़ पाए, इसकी साजिश चीनी कंपनी के न्यूज ऐप से कैसे रची जा रही, अब इसका एक लाइव सबूत देखिए। भारत के अखबारों और टीवी चैनलों में आपने अक्सर पढ़ा होगा या सुना होगा कि भारत ने कूटनीतिक और राजनीतिक मोर्चे पर चीन को सबक सिखाया, लेकिन यूसी वेब आपको ये लिखने की इजाजत नहीं देता। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आप पेज देख रहे हैं ये यूसी वेब का वो पेज है जहाँ पे आप कोई भी आर्टिकल लिखेंगे तो देश के करोड़ों लोगों के मोबाइल फोन तक वो खबर और वो जानकारी पहुंच जाएगी। चाइना को सबक शब्द ये हमने लिखा है,
कि भारत की तरफ से अगर कोई खबर है जिसमें चाइना को सबक देने की बात है, तो ये इस आर्टिकल को यहीं पे क्वेश्चन कर रहा है, यहीं पे खत्म कर रहा है। और बीजिंग का जो सर्वर है वो फिर हमें मैसेज दे रहा है कि देयर आर सेंसिटिव वर्ड्स इन द टाइटल, प्लीज मॉडिफाई। अब इसमें सेंसिटिव वर्ड क्या है, शायद ये खबर उनको सूट नहीं करती है, उनके लायक नहीं है, इसलिए वहां का सर्वर हमें इस पे आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता। लेकिन जैसे ही हम चाइना की जगह इंडिया लिखते हैं, इसमें चाइना शब्द हटा के हमने लिखा इंडिया को समन देने की कोशिश। मेरा जो ये आर्टिकल है वो चाइनीज सर्वर ने अप्रूव कर दिया और ये मैं पोस्ट करने के लिए तैयार हूं। तो क्या इस तरह चीन की कंपनी का यूसी न्यूज ऐप भारत में चीन के खिलाफ बातों को संवेदनशील बताकर भारतीयों को न पढ़ने देता है और न ही लिखने देता है? जबकि चीनी कंपनी के न्यूज ऐप पर भारत के खिलाफ कुछ भी लिखा जाए तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती। अगर ऐसा है तो भारत के 13 करोड़ लोगों तक सीधी पहुंच रखने वाला चीनी कंपनी का न्यूज ऐप देश के लिए क्या खतरा नहीं? इन सवालों के लिए जरूरी था पड़ताल आगे बढ़ना, इसलिए पहले देखिए दक्षिण चीन सागर की तस्वीरों को, जहाँ चीन लगातार अपनी दादागिरी करते हुए कब्जा जमाने में जुटा रहता है। दक्षिण चीन सागर में पेट्रोलियम और गैस का बड़ा भंडार है, जिस पर कब्जा करने के लिए चीन का वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान से विवाद। इसी दक्षिण चीन सागर में खनन के लिए वियतनाम की मदद भारत कर रहा है, जिससे चीन चिढ़ता है। लेकिन दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी की खबर भारतीयों को पढ़ने से चीनी कंपनी का न्यूज ऐप रोक देता है, जिसका सबूत देखने के लिए चलिए संवाददाता इंद्रजीत राय के पास। जैसे ही मैं शब्द को लिखता हूँ यूसी वेब के इस प्लेटफॉर्म पर, फिर ये एक मैसेज देता है कि देयर आर सेंसिटिव वर्ड्स इन द टाइटल, प्लीज मॉडिफाई इट। यानी कि आप इस शब्द को पोस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर इस लाइन को चेंज कर दूं कि दक्षिणी चीन सागर में भारत की दादागिरी, तो ये चीन का सर्वर तुरंत हमारे आर्टिकल को अप्रूव कर देगा। मैं आपको लिखकर दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने लिखा दक्षिणी सागर में भारत की दादागिरी, यानी कि चीन शब्द को जैसे ही हटाया, इस आर्टिकल को वहां के सर्वर ने अप्रूव कर दिया और अब ये खबर करोड़ों लोगों के मोबाइल पर जाने के लिए तैयार है। यानी कि चीन के बारे में आप कुछ भी लिखेंगे, कोई भी बुरी बात लिखेंगे, ये सर्वर आपको रोक देगा। और भारत के बारे में कोई भी बुरी बात लिखेंगे, ये सर्वर आपको इजाजत देगा करोड़ों लोगों के मोबाइल फोन तक पहुंचने के लिए। तो क्या ये एक तरह से भारतीयों के दिमाग में चीनी घुसपैठ की साजिश नहीं है, जहां आरोप है कि जो चीन चाहता है, जैसा चीन चाहता है, वैसा ही भारतीयों को अपने बारे में पढ़ने और लिखने दे रहा है अपनी चीनी कंपनी न्यूज ऐप के जरिए? क्या ये मामला सिर्फ इतना ही है या कुछ और? हमने बात की भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व अधिकारी आर पी यादव से। यूसी न्यूज है, ये एक चाइनीज फ्रंट कंपनी अलीबाबा है, ये उसकी ही कंपनी है और अलीबाबा काफी इस मामले में बदनाम भी है कि वो चाइना के लिए इंटेलिजेंस और दूसरे काम भी करता है। इसके अलावा वो जो सामान वगैरह बेचता है वो दूसरी चीज है, लेकिन इसकी आड़ में वो चाइना के लिए इंटेलिजेंस का काम अलीबाबा कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड कर रही है, जिसमें हिंदुस्तान भी, इंडिया भी एक हिस्सा है। ये जो यूसी न्यूज है ये उसकी ही कंपनी है। तो क्या चीनी कंपनी के न्यूज ऐप के रास्ते चीन बीजिंग में लगे सर्वर के जरिए भारतीयों के मन में चीन की एक ऐसी छवि गढ़ दे रहा है, जिससे भारतीय चीन की करतूतों पर कभी ध्यान ही ना दे पाए? क्योंकि संवाददाता इंद्रजीत राय ने चीनी कंपनी के यूसी न्यूज ऐप पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब भारत और चीन से जुड़ी खबरों को लेकर पड़ताल की, तो ये दिखा कि मैकमोहन लाइन, यानी वो सीमा रेखा जिसके तहत अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा, चीनी कंपनी के यूसी न्यूज ऐप पर मैकमोहन लाइन पर तनाव की खबर ऐसा शीर्षक लिखते ही चीनी कंपनी का सर्वर इसे संवेदनशील बताकर भारतीयों को पढ़ने नहीं देता, कहता कि इस शीर्षक को बदलिए। लेकिन जैसे ही कश्मीर सीमा पर तनाव की खबर लिखी जाए,
चीनी कंपनी के न्यूज ऐप को इस पर कोई आपत्ति नहीं होती। अगर कोई खबर चीनी कंपनी के यूसी न्यूज ऐप पर चीन की तानाशाही के शीर्षक के साथ लिखी जाती है तो फौरन चीनी कंपनी का सर्वर इसे संवेदनशील बताकर हटाने को कहता है, लेकिन भारत के लोगों को भारत के विरुद्ध भारत की तानाशाही वाले शीर्षक की खबर पढ़ाने के लिए चीनी कंपनी का न्यूज ऐप तुरंत तैयार हो जाता है। दावा कि चीनी कंपनी का न्यूज ऐप भारत में चीन को लेकर भारतीयों के मन में चीन की छवि तो मजबूत कर रहा है, लेकिन भारत की छवि को लेकर खिलवाड़ कर सकता है, जो धीरे धीरे क्या एक तरह से भारतीयों के मन और दिल में चीनी घुसपैठ का जरिया बन सकता है और इसका क्या नुकसान भारत को हो सकता है, इस बारे में संवाददाता इंद्रजीत राय ने देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी से बात की। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी वुहान गए थे शी जिनपिंग से मिलने। मैंने कुछ चीनियों की बड़ी होची कोर्ट्स देखी हैं और टेक्स्ट मैसेजेस देखे हैं और इसके ऊपर क्या कहते हैं आपके नेट पे जो है वो जो कि खिल्ली उड़ा रहे हैं हमारी की, हम काउटाउ कर रहे हैं, हम घुटने टेक रहे हैं चीन के सामने, खिल्ली उड़ा रहे हैं। तो उससे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 13 करोड़ लोग अगर इसके यूजर्स हैं, स्वाभाविक है कि उनके दिमाग पे मनोवैज्ञानिक तौर पे असर होगा चीन के प्रोपेगेंडे की। वो सोचे कि हमारा देश गलत है और चीन सही है। किसी भी दुश्मन के सैनिक पर हमला करने से ज्यादा खतरनाक होता है उस देश की जनता की अपने देश के प्रति सोच परवाह करना। क्या चीन इसी साजिश को चीनी कंपनी के न्यूज ऐप के जरिए पूरा कर रहा है? अपनी पड़ताल में सामने आए आरोपों को लेकर संवाददाता इंद्रजीत राय ने चीनी कंपनी के भारत में चल रहे यूसी न्यूज ऐप का पक्ष भी जानना चाहा। यूसी न्यूज का पक्ष जानने के लिए हमने उनको मेल लिखा। पहला मेल हमने उनको 7 मई को लिखा दोपहर 12 बजे। आज 15 दिन हो चुके हैं लेकिन उनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। दूसरा मेल हमने पहला मेल लिखने के 24 घंटे के बाद उनको रिमाइंडर भेजा, उनको लिखा कि आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए क्योंकि ये इस स्टोरी के लिए बेहद अहम है। हमने इस मेल में उनसे वो सारे सवाल पूछे, उन सारे आरोपों पर उनका पक्ष लेना चाहा जो आज हम आपके सामने दिखा रहे हैं। अच्छा, जरा याद कीजिए वो वक्त जब पिछली सदी में भारत में गणेश जी के दूध पीने की खबर वायरल हुई थी। अमेरिका तक में कुछ ही घंटे में लोग गणेश जी को दूध पिलाने लगे थे। वो दौर तो लैंडलाइन फोन का था, तब कोई इंटरनेट मोबाइल था ही नहीं। आज पल भर में कोई भी जानकारी कहीं से कहीं सेकंडों में पहुंच जाती है। ऐसे में अगर आरोप के मुताबिक चीनी साजिश के तहत चीनी कंपनी के न्यूज ऐप के जरिए करोड़ों लोगों तक भारत विरोधी और चीन के फायदे और हित वाली खबर पहुंचती है तो क्या ये भारत के लिए चिंता की बात नहीं होनी चाहिए? अपने दुश्मनों को रोकने के लिए तो चीन के पास तो सैनिक है। लड़ाकू विमान, लेकिन आरोप है कि भारत में चीन अपने खिलाफ उठने वाली खबरों की बंदूकों को भी शांत करने की साजिश रचता है। जैसे भारत में सालाना चीन 40 लाख करोड़ रुपए का अपना सामान निर्यात करता है, लेकिन चीन के सामान के खिलाफ भारत में जब कहीं प्रदर्शन होता है, आरोप चीनी कंपनी का यूसी न्यूज ऐप भारत में चीनी सामान के खिलाफ प्रदर्शन की खबरों को भारतीयों तक नहीं पहुंचने देता ताकि भारत में चीनी सामान को लेकर ऐसी सोच न हो जिसका आर्थिक नुकसान चीन को उठाना पड़े। इस बात की पड़ताल की भारत में चीन की कंपनी यूसी न्यूज ऐप पर रजिस्ट्रेशन करा के संवाददाता इंद्रजीत राय ने चाइनीज सामान यानी कि भारत में आप चाइनीज सामान पर कोई भी टिप्पणी यूसी वेब के प्लेटफॉर्म पर नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूं चाइनीज सामान,
मैंने एक शब्द लिखा चाइनीज सामान के खिलाफ प्रदर्शन, यानी कि ये खबर है जिसमें बताया जा रहा है कि चाइनीज सामान के खिलाफ भारत में कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। जैसे ही मैं इस शब्द को लिखता हूँ यहाँ पे चाइनीज सर्वर से फिर मैसेज आया कि देयर आर सेंसिटिव वर्ड इन द टाइटल, प्लीज मॉडिफाई इट। यानी कि चाइनीज सर्वर हमें ये बता रहा है कि हम चाइना के सामान या चाइना के बारे में कोई भी बात भारत में बैठकर नहीं कर सकते हैं। यानी कि भारत का इंटरनेट, भारत का कंप्यूटर, भारत का उपभोक्ता और भारत का पैसा, लेकिन आप चाइना के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। और चाइनीज सामान की जगह जैसे आप लिखते हैं भारत के सामान के खिलाफ प्रदर्शन, ये मैसेज यहाँ से गायब हो जाता है और वहां का सर्वर आपको इस पोस्ट करने की इजाजत दे देता है और आप इस खबर को पोस्ट कर सकते हैं। संवाददाता इंद्रजीत राय ने अपनी पड़ताल आगे बढ़ाई तो आरोप है चीनी कंपनी के यूसी न्यूज ऐप के जरिए चीन भारत के लोगों को तिब्बत के बारे में सही जानकारी नहीं लेने देता। तिब्बत से जुड़ी किसी भी खबर के शीर्षक को संवेदनशील बताकर हटाने के लिए कहता है। भारत के हिस्से वाले अक्साई चीन पर कब्जा करने वाला चीन इससे जुड़ी खबरों को भी भारतीयों के बीच में पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं देता। दलाई लामा का नाम आते ही चीनी कंपनी का न्यूज ऐप उसे भारतीयों को पढ़ने देने से रोक देता है। इस तरह दावा है कि चीन अपने बारे में सच्चाई भारतीयों के बीच छिपाकर भारत से जुड़ी आधी अधूरी जानकारी का वो खतरनाक खेल खेल रहा है जिसका नुकसान भारत को उठाना पड़ेगा। न्यूज लोग टेलीविजन सेट पे नहीं देखते, अपने मोबाइल पे देखते। 13 करोड़ अगर जो यूजर्स हैं उनको आप चीनी खबरें उस पर देना शुरू कर दीजिए, वहां आधा तो एटीट्यूड आपने वही बदल दिया है कि डोकलाम के बारे में, छुमार के बारे में, इंट्रूजन के बारे में, भारतवर्ष के बारे में। तो ये बहुत निहायत जरूरी है, ये बहुत निहायत जरूरी है कि आप इसके ऊपर नियंत्रण रखें, इसके ऊपर सख्त निगरानी। लेकिन चीन की साजिश का एक बहुत अहम खुलासा भी बाकी है। चीनी कंपनी के यूसी न्यूज ऐप के जरिए चीन क्या भारत में अफवाहें भी फैलाता है? क्या चीन भारत में न्यूज ऐप से अफवाहें फैलाकर दंगा कराने की कोशिश करता है? क्या भारत के चुनावों को भी चीन एक न्यूज ऐप के जरिए प्रभावित करने की कोशिश में है? क्या भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को एक न्यूज ऐप से चीन हिलाना चाहता है? हर सवाल का जवाब मिलेगा हमारी अगली रिपोर्ट में।